खबर मिल रही है, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारियो को गुरुद्वारे जाने से रोका गया। ये घटना आपको बता दें शुक्रवार की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बिसारिया को रावलपिंडी में गुरुद्वारा पंजा साहिब जाने की अनुमति दी थी, बावजूद इसके स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया गया। शुक्रवार को बिसारिया का जन्मदिन था और इस मौके पर वो अपनी पत्नी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर प्रार्थना के लिए गुरुद्वारे गए थे, लेकिन उन्हें अपनी गाड़ी से ही उतरने नहीं दिया गया। उन्हें गुरुद्वारे जाने से क्यों रोका अधिकारियों ने इसकी वजह भी नहीं बताई। आपको बता दें इस साल की ये दूसरी घटना है। सिद्धांत सिब्बल इस वक्त इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धांत, तो ये सलूक किया जाता है भारतीय उच्चायुक्त के साथ पाकिस्तान में और इस तरह की पहली घटना नहीं है, क्या कोई फॉर्मली कोई कंप्लेंट अभी तक की गई है इस मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं ये ब्रेकिंग है कि हमारे इंडिया ने एक फॉर्मल प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है और जो डिप्टी हाई कमिश्नर है पाकिस्तान हाई कमिशन में, उसको समन करा गया था, जो एक फॉर्मल प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने जिक्र करा कि कल का इंसिडेंट है, कल उनका बर्थडे था और वो गुरुद्वारा पंजा साहिब गए थे, बट उनको डिनाई कर दिया था एंट्री। उनको ये बोला गया था कि सिक्योरिटी रिस्क है, वो सिक्योरिटी रिस्क बेसिकली जो खालिस्तान एलिमेंट्स है, खालिस्तानी एलिमेंट्स है, उनको पैंडर करने के लिए उनने बेसिकली ये शगुफा रचा। और मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन बहुत सारे यात्रीज हैं, सिख यात्री वहां जाते हैं, वहां से भी बहुत कंप्लेंट आई है क्योंकि इंडियन काउंसलर मिशंस को मिलने से रोका जाता रहा गया है। और ये पहली बार नहीं है डिप्लोमेटिक कुछ स्पैट हुआ है। पिछले साल हमने देखा था एक डिप्लोमेटिक स्पैट शुरू हुआ था जिसमें रात को सुबह तीन बजे एक्चुअली कॉल आती थी, कोई रिंग डोरबेल रिंग करता था हमारे डिप्टी हाई कमीशन का वहां पाकिस्तान के अंदर, और हैरेसमेंट की ऐसी ये पहली बार हुआ नहीं है कि पहली बार ऐसे हुआ, इससे पहले भी हैरेसमेंट हो रखी है। तो ये जो इंसिडेंट है टॉप लेवल में बता दिया गया, एक फॉर्मल कंप्लेंट भारत ने लॉन्च कर दी है। जी बिल्कुल, ये इस तरह का पहला वाक्य नहीं है और ये पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत।